नमस्ते जी। 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जयपुर में था आज दोपहर में, और बाड़मेर जो कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ पे 49 डिग्रीज। अब मैं वेदर रिपोर्टिंग करने यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे आज निकलना है बाड़मेर, मतलब अभी रात को। कल एक दोस्त की एंगेजमेंट है, बहुत ही अजीज मित्र है, तो जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 11 घंटे की ड्राइव में अकेला तो कर नहीं सकता हूँ, तो कुछ मुर्गों को पकड़ने का वक्त आया। हेलो निखिल, कहाँ पे हो? नमस्ते जी, मैं रूम पे हूँ सर। ये तुम बड़ा बैग क्यों लेके आए हो? अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत सही टाइम पे आए हो, नमस्ते तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये सारे मुर्गे जो है वो हमने जमा कर लिए हैं, और ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 गाइस हाउ एक्साइटेड आर यू? -50। अरे -50 +50 बोल मेरे भाई। टेम्परेचर की बात जा रहे हैं ना अपन। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आपको सर बढ़िया सनसेट, बढ़िया सनराइज और शुद्ध हवा, और आपको कोल्ड नाइट्स वो भी मिलेगी सर। अच्छी ठंडी रातें होती है, बढ़िया ठंडा टेम्परेचर होता है। चलें फिर, ऐसे एक्साइटेड हो भी बोलो। अरे चले हैं। मेरे दोस्तों के एक्साइटेड ना होने का रीजन सिंपल है, गर्मियों में रेगिस्तान घूमने कौन जाता है। बट मैं फुल एक्साइटेड था दो चीजें करने के लिए। पहला, एक इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन देखने के लिए, और किया कारेंस को 1200 किलोमीटर तक एक्सपीरियंस करने के लिए। आई कन्विंस्ड किया मोटर ये बोल के कि इन रिटर्न मैं आप लोगों को कारेंस के बेस्ट फीचर्स बताऊंगा। रात के बज रहे हैं एक, और कारेंस का पहला बढ़िया फीचर तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो है स्पेस। सब लोग पीछे घोड़े बेच के सो रहे हैं, आप देख सकते हो, और सारा सामान हमने जो है लास्ट की रो पे डाल दिया है। लेकिन अब वक्त हो चुका है किसी को उठाने का, बिकॉज 200 किलोमीटर अभी भी बाकी है और मुझे आ रही है नींद। प्रॉब्ली ललित जो है वो दोपहर में सोया हुआ है, तो उसको उठाते हैं। गुड मॉर्निंग, कहाँ पहुँचे अपन? जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में हम। ललित को ड्राइविंग के इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे कि अपनी अतरंगी प्लेलिस्ट वो अपने तक ही सीमित रखे, और हम लोगों को तभी उठाए जब सुबह के खूबसूरत नज़ारे दिखना शुरू हो जाए। कुछ तो मस्त सी बात है, मतलब सनराइज और सनसेट्स में हर बार बढ़िया लगते हैं, स्पेशली ये रोड ट्रिप्स वाले। और तो दूसरा ऑप्शन होते नहीं अपने पास, रोड ट्रिप, सिर्फ रोड ट्रिप्स में तो देख पाते हैं अपन, वरना तुम यार 10 बजे से पहले उठ जाओ। चलो चलो चाय पीते चलो। एक वियर्ड चीज़ हमें यहाँ मिली है, वो ये कि ये जो पैच देख पा रहे हैं इसमें नमी कैसे आई, ये गीला कैसे हुआ है, ये सूखा कैसे हुआ, मतलब ऐसा पूरा हर जगह यहाँ पे हो रखा है। और कोई बारिश वारिश के भी ट्रेसेस नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। मुझे लगता है पिछले 2-3 दिन के अंदर बारिश हुई है। नहीं, ये सॉल्ट फ्लैट से ऐसे ही रहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सर्टेन जगह पे अगर आप देखोगे तो मॉइस्चर है, इट्स अ प्रॉपर मॉइस्चर, ऐसा ऐसा मॉइस्चर है, और ये इतनी हार्ड है कि आप निकाल ही नहीं सकते हो। हमने सॉल्ट फ्लैट्स वहाँ पे भी देखे हैं, और भी जगह पे भी देखे हैं, राजस्थान में हैं, तुम्हारे घर के पास में भी है, ऐसे मत बोलो यार। तो आप सॉल्ट फ्लैट विशेषज्ञ हैं क्या? मैं सॉइल विशेषज्ञ हूँ। ड्रोन पायलट मिस्टर लालित राणा हो गया आपका? कुछ और तो आ नहीं रहा था। निखिल, क्या इच्छा है आपकी? सोने की इच्छा है। विकास भाई, आपकी क्या इच्छा है? चाय पिला दो यार प्लीज। चाय पियोगे? चाय पी। फॉर्चुनेट इनफ जल्द ही हमने चाय नाश्ते का जुगाड़ कर लिया, एंड नॉट जस्ट दैट, हमने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया और रविशंकर की इंगेजमेंट सेरेमनी में पहुंचे। वहां पे सिर्फ हमें आधा घंटा लगा, बिकॉज सेरेमनी आधे घंटे की ही थी, और उसके बाद में हम लोग निकल पड़े उस जगह जाने के लिए जिसके लिए मैं एक्साइटेड था और बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं था। Surfing on a wave of good feelings. Well, it's just another Friday in paradise. क्या प्लान है? प्लान अब हम चलेंगे मुनाबाओ। क्या मुनाबाओ? मुनाबाओ है इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। यहाँ देखो 120 लिखा हुआ है। हाँ, आखिरी रेलवे स्टेशन तो है सर जी, बट वहाँ जाके करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब
आखिरी एलिस्ट ने अपने आप में देखने की जगह है, हमारे लिए आखिरी नहीं हो जाए भैया वो गर्मी देखो तुम यार क्यों आप तो? एक काम करो ये सी वेंटिलेटर सीट चालू करो, कहीं ना कहीं से तो ठंडे हो गए, हर जगह से गर्म हो रखे, दो दिन से 50 डिग्री 50 डिग्री कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा भाई हो रहा है हाँ तो सच में हालत खराब, मतलब गाड़ी में ये जहाँ जहाँ धूप लगती है ना ऐसे मन कर रहा था कल अंदर। कितनी दूर है यहाँ से वैसे भाई? 120 किलोमीटर। कुछ देर और मेरे मजे लेने के बाद में ये सब लोग एक एक करके कारेंस के कंफर्ट का आनंद लेने लगे, क्योंकि सब थके हुए भी थे तो सीट पर प्रॉपर कंफर्ट और एयर फ्लो की बदौलत सब सो गए। और मैं हैरान होने लगा था 50 डिग्री सेंटीग्रेड में डेजर्ट की लाइफस्टाइल देख के। लाइफ काफ़ी अलग और मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ में जीते हैं यहाँ पे लोग। ना सिर्फ लोग, अगर आप जानवरों को भी ऑब्जर्व करोगे तो उनका भी वे ऑफ लिविंग लाइफ काफ़ी अलग है। ठीक है, हार्श है लेकिन सुंदर भी है। थोड़ा सा मौसम खुशनुमा हो गया लेकिन सब लोग अभी भी सो रहे हैं। इस बीच में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो है एक्टिव सेफ्टी फीचर्स और पैसिव सेफ्टी फीचर्स। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वो सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके के कॉलिजन को अवॉइड करने के हिसाब से जो है गाड़ी में लगाए जाते हैं, गाड़ी में दिए जाते हैं, जैसे कि ABS EBD हुआ। और पैसिव सेफ्टी फीचर्स वो होते हैं जो कि अगर कॉलिजन हो गया है तो उसके इम्पैक्ट की सीवियरिटी को कम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि आपका क्रम्पल जोन हुआ, एयरबैग्स वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह हुआ। और जो कि कारेंस मैं चला रहा हूँ उसमें भी आपको ढेरों एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट किया कारेंस के सारे वेरिएंट्स में रॉबस्ट 10 हाई सेफ्टी पैकेज स्टैंडर्ड मिलता है, जिसमें आपको 6 एयरबैग, ABS, ESC, HSE, VSM, DBC, BAS, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, TPMS इत्यादि सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ओके जी, ये मेरी लाइव लोकेशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि मैं हूँ इस वक्त काफ़ी मुनाबाव में, जो कि दो मतलब रेलवे क्रॉसिंग्स है पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिनमें एक ऑब्वियसली अटारी वाघा बॉर्डर पे, दूसरा मुनाबाव जो है यहाँ पे, वहाँ मौज गए भाई। चीफ इन्फ्लुएंसर मिस्टर विकास योगी मुनाबाव रेलवे स्टेशन के आगे फोटो खिंचा के बताते हुए कि ये बहुत ही बड़ा काम कर चुके हैं जीवन में। बाय द वे ये डोमेस्टिक टर्मिनल कह सकते हो, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जब भी थार एक्सप्रेस चलती थी तो उधर आता था, मतलब ट्रेन उधर आती थी, फिर कस्टम्स वगैरह वाला सीन वहाँ होता था, बट ये डोमेस्टिक है। यहाँ पे एक ट्रेन आती है रेगुलरली, अंदर चार्ट लगा हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि क्या ट्रेन कब कहाँ आती है वगैरह, क्या सुविधाएँ उपलब्ध है, और एक अलग सी फील है इस रेलवे स्टेशन में। ऐसा कुछ खास कुछ है नहीं, मतलब कोई भी आता जाता नहीं है, और ऐसा खाली पड़ा है आप देख पा रहे हो, हम लोगों के अलावा कोई नहीं है, बट एक अलग फील जरूर है यहाँ पे। फिर रिवाज के अनुसार एक सेल्फी ली हमने। मुनाबाव का नाम मैंने 2007-08 यानी कि बचपन में सुना था, आज आके काफ़ी अच्छा फील हुआ। बचपन में कहाँ सुना था वो कहानी कभी, और फिलहाल हम मुनाबाव के पास ही में एक जगह रुके सनसेट देखने। कारेंस को इस ट्रिप पे लाना एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन था, कंफर्ट और फीचर्स मिलके इसको एक बहुत ही अच्छी फैमिली कार बनाते हैं। बाय द वे, मुर्गे लोग खुश थे इस इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप से, स्पेशली ड्यून्स और मुनाबाव देखने के बाद।